उधमपुर के मिनी स्टेडियम में जिला पुलिस द्वारा रेंज स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ डीएसपी शकील द्वारा किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी के मैच हुए। इस अवसर पर वॉलीबॉल की 7 और हैंडबॉल की 6 टीमों द्वारा मैच खेले गए। प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को होगा। स्टेट में रेंज लेवल की हर जगह टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं, उस हवाले से हमारी भी उधमपुर रियासी रेंज में रेंज के लिए 2017 रियासी उधमपुर रेंज टूर्नामेंट जो है वो मुनक्किद हो रहे हैं। आज इनकी यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे हैंडबॉल और वॉलीबॉल का मैच है। इसमें हमारी हैंडबॉल में 5 और वॉलीबॉल में 6 टीमें हैं। अपने रेंज लेवल के डिफरेंट एरिया से मुख्तलिफ खिलाड़ी आए हैं। हमारा मेन मकसद है कि इन बच्चों को खेल की तरफ उत्साहित करना, खेल के इम्पोर्टेंस को समझाना और मैसेज कन्वे करना, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हमारी जो यूथ जनरेशन है मुख्तलिफ किस्म की बीमारी में, मुख्तलिफ किस्म के बुरी किस्म के उनमें इन्वॉल्वमेंट है, हैबिट्स में उन चैलेंज करके इनको स्पोर्ट्स में और अच्छे काम में और एक अच्छे शहरी के तौर पर इनको अपने देश के लिए बनाना जो है हमारी रेंज लेवल के साथ खेल का।